हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉलेज स्टडी। ये जो वीडियो है वो आपके लिए एसएससी जेई के जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दैट जो जितने भी क्वालिफाइड हुए, अभी तो रिजल्ट नहीं आया 2018 का, बट आंसर की आ चुकी है एंड दैट कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। उसके ऊपर हो गए तो ऑब्वियसली आपके क्वालिफाई हो जाएगा एंड दैट जिसके भी कंफर्म होंगे कि 130 नंबर, 140, 120 से अब उनका फाइनली है, 110 से भी फाइनल है कि हाँ 110 से 115 के ऊपर भी फाइनल है उसका, वो प्रिपरेशन अभी से तैयार कीजिए मेंस के लिए। बट अब मैं आपको फाइनली ये जो वीडियो है वो मैं बताता हूँ किसके लिए। एक एसएससी ने अपलोड किया गया है ताकि आपको पता चले कि कैसे आता है, कैसी कॉपी आती है, कितने पेजेस की आती है, कितने के अलाउड रहता है, कितने नंबर के रहता है, वो सारा इसमें बताया गया है। एक स्टूडेंट है, उसके 179 नंबर आए आउट ऑफ 300 का रहता है गाइस। इसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं, ओनली 6 क्वेश्चन। आप कहोगे बस ओनली 6 क्वेश्चन, बट 6 में भी ये सपोज दैट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में भी उसने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है, जो भी आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जो एक क्वेश्चन रहता है वो कितने नंबर का रहता है, वो 60 नंबर का रहता है। 60 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है गाइस, एक क्वेश्चन रहता है 60 नंबर का, इंटू 5 करेंगे तो 5 से 3300 रह गए। अब हम देख सकते हैं कि जो देखो ये थोड़ा जो है इंस्ट्रक्शन है, तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। देख सकते हैं कि जो प्रत्येक आवरण प्रस्थी सहित यानी कि 32 प्रस्थ होंगे, प्रत्येक जो कॉपी होती थी 32 पेज होते हैं, आप कितने भी ले सकते हैं। इसमें कोई अनलिमिटेड ऐसा नहीं कि ओनली एक ही बुक मिलेगी, एक ही कॉपी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। ईच कैंडिडेट विल गेट आंसर्ड बुक कंटेन 32 पेजेस इंक्लूडिंग द कवर पेजेस, ओके, कवर पेज के इंक्लूड के समेत। दिस आंसर बुक इज फॉर द सिविल एंड इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द राइट द देयर टिकट नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट अफिक्स, देयर सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड। इसलिए दिया गया ये गाइज, इसलिए गाइड करने के लिए किया गया है क्योंकि 2 घंटे रहते हैं और कुछ स्टूडेंट की ये रहती है कि 2 घंटे में हमारा समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही बता दिया गया है कि ये सब आपको फिल करना पड़ेगा और 2 घंटे आपके पास रहते हैं। तो आंसर की नॉट बियरिंग कैंडिडेट रोल नंबर, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड नंबर विल नॉट इवेल्यूट एंड सच कैंडिडेट वुड बी अवॉर्डेड 0 मार्क, ओके एंड दैट। अब आते हैं, देखो ये जो आता है उसमें जो कॉपी दी जाती है उसमें ओवरऑल ये रहता है, ये तो खाली रहता है, ये पूरा ब्लैंक रहता है, ये पूरा ब्लैंक रहता है सारा, ठीक है। ये जो एग्जामिनर यानी जो चेक करता है वो ये सब बाद में जो कॉपी रहती है चेक करने के बाद वो ये रहता है, बस आपके पास ये रहेगा। इसमें से सपोज 6 क्वेश्चन दिए गए हैं 60 60 60 के, इसमें से एक इसने जो स्किप किया वो 4th क्वेश्चन नंबर स्किप किया गया है, ओके। अब हम देख सकते हैं कि ये है कोई अंकित कौशिक जो है किसी का नाम, इसका देख सकते हैं इसका नाम, इसमें आई थिंक अंकित कौशिक ही है जो कि इन्होंने अपलोड किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ जी पूरा जो ऑफिशियल जो रहता है प्रॉपर रहता है। इसने पहला 3rd क्वेश्चन किया था जो कि इसमें क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ता, ओनली डायरेक्ट सॉल्व करो, ओके। ये M20 ये जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ, ये RCC का क्वेश्चन है जो कि RCC में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो LSM और WSM के बारे में कब 100% पूछते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी में सीधा देख UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, और ये जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं आप, ऐसी कॉपी आती है कैलकुलेशन MU ये निकालना पड़ता है, ये सिग्मा AST, ये जो मैंने बताया LSM है यानी कि और WSM इन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी स्टेप रहते हैं, एक क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है वो अगर पूरा करेंगे तो। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन देखो कितने कितने नंबर मिले हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ उसके अकॉर्डिंग। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे ना, 3rd में इसको 48 मिले हैं, 60 में से 48 नंबर मिले हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 25 8 15 जानते हो क्या है, 25 मीन्स कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन में, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, 3 क्वेश्चन दिए हैं बट इसमें 25 एक मिले, एक में 8 मिले, एक में 15 मिले हैं, आइए हम देखते हैं कितना है। बट क्वेश्चन मैं आपको पेपर भी लेके आऊँगा, उसमें ऑब्वियसली सारा दिया होगा कि ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 8 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, 15 20 जो भी है। ये अपना 48 ले गया, 3 क्वेश्चन में सिर्फ 48 ले गया, देखो ये 30 का सी आ गया, सी में आई थिंक इसको कितने मिले, 14 नंबर मिले कितने, तो आप ऊपर देख लें देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट में 8 मिले थे, तो ये जो डिज़ाइन ऑफ हेलिकल
एंड फाइंड, ये सारे देखो, सिक्स में जो उसने किया था वो ये है 2420 एंगल। ओके आई थिंक ये टॉस का है या स्टील का, थोड़ा इसमें क्वेश्चन देखना पड़ता है। वेल्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेल, लेंथ ऑफ द वेल्ड, आई थिंक स्टील का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सारे न्यूमेरिकल टाइप में आते ही हैं मैक्सिमम, बट बिल्डिंग मटेरियल के भी हम देख सकते हैं शायद आएंगे, इसमें आया होगा। और जो भी ये थियोरिटिकल देखते हैं सभी बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप के ही, उसने ऑप्शन, उसने यही जो है वो न्यूमेरिकल टाइप में किए होंगे। मोर सर्कल देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये सेकंड का भी है जो कि इसने खुद किया है कंटेंट। ओके ये क्या है, ये सर्विंग का है, सर्विंग के क्वेश्चन आते हैं। ये फोर बियरिंग है, ये बैक बियरिंग आता है, फोर बियरिंग है। ठीक है, इसने खुद लिखे टेबल एंड ऑल स्टेन आर अफेक्टेड बाय लोकल, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। ये सेकंड का डी है। तो बेसिकली सारे हैं, देखो ये आ सकती है मेरी थियोरिटिकली, तो सिक्स का सी है, ये थियोरिटिकली क्रैप वैल्यू के बारे में पूछा है। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू के बारे में पूछा है, सिंकिंग वैल्यू पे, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा, यानी कि 60 नंबर ऐसा आता है गाइज जिसमें से थियोरिटिकली आता है, जो कि आप नॉर्मली पूछ सकते हैं, कौन से भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ये भी देख सकते हैं थ्री का एक प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली गाइज, उसमें डायग्राम भी बता दिया बंदे ने, एंड दैट इफेक्ट साइज ऑफ द प्लेट, तो सारा ये है। इसलिए 179 काफ़ी अच्छे नंबर है, हम कह सकते हैं कोई इफेक्टेड नंबर है। अगर कोई बंदा प्रिपरेशन कम्प्लीटली कर रहा है स्टार्टिंग से, तो गाइज यू विल ऑब्वियसली डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई इन दिस मेन्स एग्जाम। इट्स नॉट अ वेरी टफ गाइज, बट ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि तैयारी करने के लिए। उसमें से मैं आपको कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि जो जो इंपॉर्टेंट हैं उस पर आप फोकस कर लीजिए, एंड देन आपके ऑब्वियसली 150 नंबर आपके आ जाएंगे 300 में। बट ये कुछ फास्ट लिखना पड़ता है क्योंकि 2 घंटे काफ़ी कम रहते हैं मेन्स के लिए। सो गाइज बस ये, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है क्योंकि 2 घंटे इट्स नॉट इनफ। गाइज ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको थोड़ा बस गाइडेंस बताया गया, एंड और भी बताऊंगा कि जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं किस में से क्या आता है, ये मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा किस सब्जेक्ट में से कौन से क्वेश्चन आते हैं। गाइज बस थोड़ा सा आप प्रिपरेशन अभी से कर लीजिए क्योंकि अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया, आपके पास 2-3 मंथ और होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बेल आइकन भी आप बटन दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।